गुड्डे तू परेशान मत हुआ कर, जब पैसा हो किराए का तो दे देना। तू काम पे ध्यान दे, कंसुइया ना ले यहाँ के। मैं कह रही थी इस अश्विनी की तो आदत है उल्टा सीधा बोलने की। मेरा लौंडा था ना, बड़ी टेंशन में रहता था। मैं इतना समझाती थी इसको, आसमीन को देख आसमीन, टेंशन मत दे मेरे लौंडे को। मैं बात ना सुनती थी, मेरी बात नहीं सुनती। मैंने अपने लड़के से दबे दबे अल्फाज में कह दिया था, जावेद पत्ता साफ कर दे, तलाक दे दे इसकी। तुझे मैं कमी कौन सी है ये बता। मेरी बहन की लड़की शम्मा तैयार है, तू बोले तो मैं हाँ करूँ। पर इस आसमीन ने उल्लू का गोश्त खिला खिला के पूरा काट का उल्लू बना दिया मेरे लौंडे को। मरने से एक दिन पहले मेरा हाथ पकड़ के जो रोया है, अम्मा मुझे माफ कर देना, अम्मा मुझे माफ कर देना। असल में आखिर में समझ गया था ना, गलत लड़की मुंतखब कर ली अपने लिए उसने। दिन रात टेंशन में लगा पड़ा था, बस कैंसर हो गया, एक ही साल में चटपट हो गया मेरा लौंडा। दादी, अब्बू का इंतकाल टेंशन की वजह से नहीं हुआ था, वो तो अम्मी ने इतनी मरतबा कहा कि मावा और गुटखा ना खाए, वो सुनते ही नहीं थे। मावा गुटखा खाने की वजह से ही तो उन्हें कैंसर हुआ था। अम्मी के पास तो रिपोर्ट भी पड़ी नहीं है सारी। चल इधर से जा, बकवास ना कर, चल चल। देख ले कितनी बदतमीज लड़कियां, कुंवारी लड़कियों को इतनी बदतमीजी करने की जरूरत नहीं। पर ये माने नहीं, क्यों ना करे, माँ ऐसी ना। मैं तो बड़े होने के नाते समझाऊं, उनका नसीब है समझे ना समझे। असल में खानदान का भी बड़ा असर हो गए, ये जो आसमीन की माँ है ना, तोबा तोबा, मैं क्या बोलूं, पीठ पीछे मेरा किसी का कहने का कोई दिल ना हो, किसी के पीछे बात नहीं करूं मैं। खाला आप तो बहुत अच्छी हैं, सच बताऊं तो इतने अच्छे तो अपने सगे खून के रिश्ते नहीं होते। तुम्हारी मोहब्बत है गुड्डे ही। अच्छा मैं ये कह रही थी कि ना तू परेशान मत हुआ कर गुड्डे, अल्लाह मियां है ना सब ठीक कर देंगे। और हाँ, अब अगर आसमीन ने आके तुझसे कोई बात करने की कोशिश की तो तू उससे तन के कह देना ये आपका घर नहीं है, मेरी खाला का घर है। किसका घर है? मेरी खाला का। बिल्कुल इसी कॉन्फिडेंस से बोलना है। काशिफ की माँ का फोन होगा, रिश्ते लगाती है ना वो। चाय पी ले, मैं देख कर आऊं, चाय अच्छी लगी मेरे गुड्डे को? हाँ खाला बहुत अच्छी है। चल तू पी, मैं लेकर आती हूँ, देखूं क्या कह रही है काशिफ की माँ। कैसे हैं आप? आप ठीक हूँ मैं, आप कैसी हैं? ये तो आप बताएंगे ना कि मैं कैसी हूँ। अरे जब माँ ने फंसा के शादी की तो ये क्यों पीछे रह जाए, इसलिए तेरे जाल में आने वाला नहीं है, गलत नंबर डायल कर रही है। चल निकल इधर से, चल इधर। खाला चाय। हाँ खाला चाय। ओ यार राशिद मेनू की कॉल करता पे है, हुन करे ना अपने बेली नू, और मैं देने ने उते पैसे, और जा उनू कह जा के अपना काम कर। चल मैं तेनू बाद च कॉल करदा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। किराया का है हमारा? जी वो जी जी क्या किराया का पूछ रही हूँ? जी बस थोड़ी सी और मोहलत दे दे, इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द आपका किराया अदा कर दूंगा, प्लीज। अगर तुम्हारे इतने ही मसले हैं तो भैया यहाँ क्यों रह रहे हो, वापस चले जाओ ना मुगलपुरा, खुद भी सुकून से रहो और हमें भी सुकून से रहने दो। जी मैंने आपको ये बात पहले भी बताई थी, लाहौर में काम नहीं है, बस आप मुझे थोड़ा सा और वक्त दें, मैं आपका किराया अदा कर दूंगा, बल्कि अगले महीने का एडवांस भी साथ दे दूंगा, मेरा यकीन कीजिए। यकीन तो करना पड़ेगा, मजबूरी है हमारी,
यकीन नहीं करेंगे तो और क्या करेंगे? बहुत शुक्रिया। अब वैसे तुम्हारे घर में और कौन कौन रहता है? जी, घर में अम्मी जान है, अब्बू जान है और मेरी एक छोटी बहन है जो स्कूल पढ़ती है। बहुत प्यार करता हूँ मैं उससे। मुझे लगता है तुम अपना वक्त जाया कर रहे हो। इस एक्टिंग में कुछ नहीं रखा। अगर एक्टिंग का काम नहीं मिल रहा तो अच्छे खासे पढ़े लिखे हो, कुछ और काम कर लो। ये बेवकूफियां क्यों? शौक है जी मेरा, ये एक्टर बनना चाहता हूँ। ख्वाब है मेरे बचपन में एक बड़ा एक्टर। भैया ख्वाब कहाँ पूरे होते हैं? ख्वाब तो बस ख्वाब होते हैं। इन ख्वाबों के चक्कर में जिंदगी भर इंसान खुद को बहलाता चला जाता है और मिलता क्या है? ये। खैर, कल किराया टाइम पे दे देना। जी सुनिए, अब क्या हुआ? क्या मैं आपको आप ही कह सकता हूँ? देखो भैया, तुम मुझे आप ही बोलो, आपा बोलो, खाला बोलो या खालू, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। कल मुझे किराया टाइम पर चाहिए, समझे? और हाँ, आते जाते जरा ध्यान रखना, ख्याल से, लड़कियों वाला घर है ये, कुछ अदाब भी होते हैं। जी।